एकदम सीधी। तो आप ये देख सकते हो किस तरीके से इसकी कटिंग हो रही है, ये चेक करें आप, ये देखा किस तरीके से उसे उठाया जाएगा, ये चेक करो आप, ये देखो भाई क्या बात है, ये देखिए खेल के रखे थे ये आ गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से और ये ऑयल पे डाले जा रहे हैं। और तो भाई हमारे साके का आटा आ गया है जिसे सुबह लगाकर रख दिया गया था 5-6 घंटे के लिए, अब उसे ले लिया गया है, अब उसे दबा दबा कर अच्छे से पूरा फैलाया जा रहा है, फिर उसे बेला जा रहा है अच्छे तरीके से। आप ये चेक कर सकते हो क्या बात है भाई साहब, पूरे परात में जिस शेप की बरात है उसी तरीके से कुछ इसे गोल सा बना दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप किसे पटक पटक के किस तरीके से गोल किया जा रहा है, ये देखिए भाई बड़ा फटाफट काम करते हैं आप अंकल जी, ये देखो तो आटे को पूरे परात के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट कर दिया गया है, आप देख सकते हो इसे अभी और फैलाया जाएगा अंकल जी, बस हो गया इतने में काम हो जाएगा अपना। तो आप ये देखो बढ़िया तरीके से पूरे परात पे सेट हो गया और अंकल जी की कटिंग स्किल आप देखना बहुत ही गजब की स्किल है, बिना किसी स्केल के बिना किसी औजार के सीधी एकदम कटिंग करते हैं फटाफट से। ये देखो आप ये कटिंग स्किल चेक करो अंकल जी की, बहुत ही शानदार है भाई, ये आपको बहुत ही रेयरली कहीं पर देखने के लिए मिलेगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। आप ये देखिए एकदम सीधी खटाखट लाइनें काटते जा रहे हैं, क्या बात है अंकल जी, बहुत ही ज़बरदस्त कारीगरी है यहाँ पे, चेक कर सकते हो आप भाई। देखो भाई आप ये चेक करें कितने बढ़िया तरीके से और कितने बारीकी से बढ़िया कटिंग करे जा रहे हैं अंकल जी उसकी, ये देखिए भाई साहब आप क्या बात है भैया, ये देखें भाई पूरा कटिंग उसकी हो गई है। अब जो इसको उठाने की जो इसकी ट्रिक है ना अंकल जी की, वो बड़ी गजब की है, अब इसे पूरा उठाया जाएगा ताकि ये मिले भी ना मिक्स भी ना हो, ये देखें आप चेक करें, ये चेक करो भाई आप, ये देखिए, ये देखिए भाई क्या बात है भाई, पूरा उठा लिया जाएगा, ये देखिए और ये यहाँ पे ले जाके कुछ इस तरीके से रखा जा रहा है, ये पूरे लाइन्स रखे हुए हैं, अब ये फ्राई करने के लिए जाएंगे। ये जो हमारे साके अंकल ने बेल के रखे थे ये आ गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से और ये ऑयल पे डाले जा रहे हैं और गरम ऑयल पे मतलब मीडियम आंच पे, थोड़ा देर लगता है इसे फ्राई होने में, धीमे धीमे फ्राई होते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से वो फ्राई किए जा रहे हैं, एकदम बढ़िया एक एक पूरे बराबर खुल चुके हैं, बढ़िया हो गए हैं, आप चेक करें भाई कितने बढ़िया तरीके से पूरे कढ़ाई के अंदर फैल चुके हैं साके यहाँ पे, ये देखो भाई कितने बढ़िया तरीके से भैया घुमा कर उसे सेट कर रहे हैं, चारों तरफ से घुमाने से अच्छा पक जाता है वो, बहुत बढ़िया उस पर आँच लग जाती है, क्या बात है भैया बहुत ही उम्मीद, तो बढ़िया तरीके से पक चुके हैं हमारे, अच्छे हो चुके हैं, अब उसे निकाला जा रहा है, ये देखो भैया ने निकालना शुरू कर दिया है, ये देखिए भाई एक बार में आप चेक कर सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरीके से निकाला जा रहा है, ये चेक करें भाई आप, ये देखिए भाई कितने बढ़िया तरीके से इसे निकाला जा रहा है और पूरा एक एक ऑयल पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है उसमें से, ये चेक करिए ये आ गए भाई, ये साके लग गए भैया हमें, दो दे दो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए कैसा रहता है, ज़रा टेस्ट करके बताएं गर्मा गर्म, तो ये देखिए भाई एकदम गर्मा गर्म साके आ गया, आई भाई टेस्ट करता पूरा, मैदे का बना हुआ है बेसिकली ये और देखते हैं, जिस तरीके से मटरी होती है ना या खस्ता होता है सेम वैसी स्वाद है इसका, बस शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, इसका नाम भी थोड़ा सा अलग है, साके बोलते हैं यहाँ पे, और टेस्ट में सेम टू सेम वैसा डिश है लेकिन काफ़ी कुरकुरा है, काफ़ी बढ़िया है। अगर आप कभी आगरा की तरफ आ रहे हो तो आगरा की तरफ आप कहाँ पे आना है, जीवन लाल दाल से पहले के यहाँ पे बड़ी गजब बनाते हैं और नाम नेट चौराहे के पास में इनकी दुकान, किसी से पूछेंगे कोई भी बता देगा बड़े आराम से, आइए चेक करिए और हमें कॉल बताइए कि कैसा लगा है।